जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्राइट मैथ्स पर। आज हम ये जानेंगे कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अंक अल्फा और बीटा ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद हम कैसे ज्ञात करेंगे, साथ ही कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, द्विघात बहुपद का एक शून्य अंक अल्फा बराबर 3/2 और दूसरा शून्य अंक बीटा बराबर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल। तो यह कितना होगा, 3/2 + 5। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 3 × 3 और ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो 10 × 3 कितना होगा, 13/2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा का वैल्यू 5 है, गुणा करने के बाद 5 × 3 = 15/2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सहायता से हमको ए बी सी ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल 13/2 और शून्यकों का गुणनफल 15/2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर शून्यकों का योगफल प्लस में आए तो आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार लिख देना है, एक ब्रैकेट के बाहर माइनस, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस, ठीक है, इस तरह से लिख देना है, 2/2। तो यह देखने में ऐसा है लेकिन यह 13 के बराबर ही है, +13 के बराबर ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं -b/a, ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर यही होता है, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, c/a। इसको ज्ञात करते समय एक बात हमें ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों का मान जब ज्ञात होगा तो उसके बटा में, यानी कि हर के स्थान पे दोनों में समान संख्या होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के स्थान पे 2 है, यहाँ भी ए के स्थान पे 2 है। अगर दोनों में ए के स्थान पे समान संख्या नहीं हो, अलग अलग हो, तो हम परिमेयकरण करके दोनों को समान कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार ए बी सी ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ ए का वैल्यू दोनों में 2 है ए के स्थान पे, तो ए का वैल्यू 2 हो गया, और बी का वैल्यू कितना, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बी के जगह पर -13 हो गया, और सी के जगह पर कितना, 15 है, तो सी का मान 15 हो गया। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -13 और सी का वैल्यू 15 हो गया। अब क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, तो क्या होगा, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो अब हमें ए बी सी ज्ञात हो गया, तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे, फिर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। देखिए, ए का वैल्यू कितना है, 2 × x² प्लस बी का वैल्यू -13, तो -13 × x प्लस सी के जगह पर 15, सी का वैल्यू 15 है, तो मैंने रख दिया 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 15। इस प्रकार द्विघात बहुपद निकल करके आ गया, क्या, 2x² माइनस 13x प्लस 15। तो आपने ये जाना कि अगर आपको अल्फा और बीटा यानी द्विघात बहुपद के शून्यक पता हो, या फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल या और गुणनफल पता हो, तो आप द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तो उसकी सहायता से आप ए बी सी ज्ञात कीजिएगा, फिर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में ए बी सी का मान रख दीजिएगा, आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, चलिए अब हम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, सवाल में क्या कह रहा है कि प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा क्रमशः निम्नलिखित है, यानी कि यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है जिनमें प्रत्येक में शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, और उसके लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए, सवाल नंबर 1 में 0.√5 दिया हुआ है, तो ये अल्फा और ये बीटा नहीं है बल्कि ये शून्यकों का योगफल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा शून्य है और अल्फा बीटा जो है वो √5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हो तो उसकी सहायता से हम ए बी सी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस शून्य को 0/1 लिख सकते हैं,
और इसे माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऐसा होता ही है। और अल्फा बीटा यानी कि इसको रूट फाइव को रूट फाइव बटा एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आप देखिए दोनों में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के दोनों ही वैल्यू में हर के स्थान पे एक हो चुका है, तो आपको इसी तरह से लिख लेना है। और ये अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए। तो इस प्रकार दोनों में ही ए के स्थान पे एक आ चुका है, तो ए के वैल्यू कितना हो जाएगा एक, बी का वैल्यू कितना होगा शून्य, और सी का वैल्यू कितना होगा रूट पांच। अब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए द्विघात बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए का वैल्यू कितना है वन, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस शून्य इंटू एक्स प्लस सी के स्थान पे रूट पांच, इस तरह से लिख लेना है। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, और शून्य से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो शून्य हो जाएगा। तो जब शून्य आए तो उसको छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, उसके बाद अचर पद जो है उसको लिख देंगे रूट पांच। इस प्रकार द्विघात बहुपद क्या निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए सवाल नंबर दो देखिए, दो नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री और टू। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो गया सो माइनस थ्री, और अल्फा बीटा जो हो गया वो है टू। हमने आपको बताया था कि इसके हर में नहीं कुछ हो तो उसको सबसे पहले बटा में चेंज कर लेना, यानी क्योंकि हमें b बाई ए और c बाई ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम ए बी सी ज्ञात कर सके। तो यहाँ देखिए ये माइनस थ्री है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस थ्री बाई एक, और इसे लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, ठीक है, और इसको भी दो बटा एक लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना सी बाई ए। तो दोनों में ही ए के स्थान पे एक एक आया है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, बी का वैल्यू कितना माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है तो थ्री हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा दो। तो द्विघात बहुपद कितना निकल के आएगा, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ए के स्थान पे वन है तो वन रखिएगा तो केवल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी के जगह पर तीन तो थ्री एक्स हो जाएगा, और सी के जगह पर सिंपली दो रख दीजिए। तो क्या निकल के आया द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सवाल नंबर तीन की ओर आते हैं, तीन नंबर में क्या दिया हुआ है, एक और एक दिया हुआ, यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक हो गया और अल्फा बीटा भी एक है, तो इसे आप एक बट एक यानी इस तरह से लिख सकते हैं, और ये प्लस में है तो एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर माइनस लिख सकते हैं, तो ये माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और इसे एक बाई एक लिख सकते हैं तो ये सी बाई ए हो जाएगा। इस तरह से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा एक, बी का वैल्यू माइनस एक, सी का वैल्यू एक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपको द्विघात बहुपद पी एक्स ज्ञात करना है, मैं डायरेक्ट पी एक्स लिख रहा हूँ क्योंकि सवाल में भी लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है कि द्विघात बहुपद ही ज्ञात किया जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का भी वैल्यू वन, तो वन से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस बी के जगह पर कितना है माइनस वन है, तो यहाँ प्लस से माइनस कर देता हूँ, और वन से एक्स में गुणा कीजिएगा तो एक्स ही होगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस सी के स्थान पे वन है तो सी के स्थान पे वन रख देना है। इस प्रकार बहुपद क्या निकल करके आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर चार को देखते हैं, सवाल नंबर चार क्या है, चार में है चार कॉमा एक, यानी अल्फा प्लस बीटा जो हो गया वो चार और अल्फा बीटा हो गया एक, इसे आप चार बटे एक लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में आया है तो आपको दो बार माइनस लिखना है, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये किसके बराबर होगा माइनस बी बाई ए के बराबर, और इसे आप एक बटे एक यानी कि सी बाई ए के बराबर, तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा एक, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस फोर, और सी का वैल्यू भी एक। तो द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ में आ रहा है। चलिए
ए का वैल्यू वन है तो वन रखिएगा ए के जगह पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी के जगह पर कितना माइनस फोर है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और फोर से एक्स में गुणा कर दीजिएगा तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा। चलिए प्लस सी के जगह पर वन, तो इस प्रकार द्विघात बहुपद क्या निकल के रखे आया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर पांच देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस एक बटे चार और एक बटे चार, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस एक बटे चार और अल्फा बीटा जो है सो एक बटा चार दिया हुआ है। ठीक है, आप इसमें देखिए कि दोनों ही में हर के स्थान पे चार है, यानी कि समान अंक है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है। इस प्रकार सिंपली यहाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर, दोनों में देख रहे हैं कि ए के स्थान पे फोर आ चुका है, बी के स्थान पे क्या होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी के जगह पर क्या बचेगा वन, है ना, प्लस वन, और सी के स्थान पे क्या होगा, सी के स्थान पे भी वन होगा। आपको द्विघात बहुपद चाहिए तो निकाल लीजिए, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब आपको सिंपली ए बी सी का वैल्यू रख देना है, तो ए का वैल्यू कितना है फोर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी प्लस में तो प्लस एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी के स्थान पे वन रखिएगा, वन से एक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स आएगा, प्लस सी के स्थान पे वन। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद क्या निकल करके आया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो सारा के सारा सवाल हल हो चुका है। चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें हर असमान होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है अल्फा का वैल्यू दो बटे तीन और बीटा का वैल्यू पांच बटे तीन। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिएगा, तो अल्फा कितना है दो बटा तीन और बीटा कितना है पांच बटा तीन, तो इसकी सहायता से इसका योग कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा तीन दो प्लस पांच, यानी कि सात बटा तीन हो जाएगा। अब अल्फा बीटा ज्ञात करिएगा तो कितना होगा दो बटा तीन गुना पांच बटा तीन। ठीक है, तो यह हो जाएगा पांच गुना दस बटा नौ। अब देखिए यहां पे हर के स्थान पे नौ और यहाँ हर के स्थान पे तीन आया है, तो इस कंडीशन में दोनों के अनुसार ए का वैल्यू अलग अलग आएगा, लेकिन हमको ए का वैल्यू दोनों में समान चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें हम ऊपर नीचे तीन से गुना कर देंगे, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या में ऊपर नीचे समान अंक से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार यह कितना हो जाएगा सात या इक्कीस बटा नौ। अब देखिए इसमें भी नौ हो गया बटा में और इसमें भी बटा के नीचे नौ आ चुका है, और आपको बताए थे कि प्लस में आए तो इसको दो बार माइनस लगा करके लिखना है, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, और यह किसके बराबर होगा माइनस बी बाई ए के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है, और ये तो सिंपल सी बाई ए के बराबर है ही। ठीक है, अब यहां से ए का वैल्यू आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, दोनों में नाइन आ चुका है और बी का वैल्यू कितना माइनस से माइनस कैंसिल, तो अंदर माइनस बचा हुआ यानी कि माइनस इक्कीस हो गया बी का वैल्यू, और सी का जो वैल्यू है वो दस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब द्विघात बहुपद पी एक्स आप आसानी से निकाल लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका व्यापक रूप होता है, अब इसी में आपको वैल्यू रख देना है, तो नाइन एक्स स्क्वायर और बी का वैल्यू माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस 21 हो जाएगा, और प्लस सी का वैल्यू 10 है तो 10 रख देना है। तो यह द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया कितना 9x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपने यह भी जान लिया कि जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दिया हो और उसका हर असमान हो तो हम एबीसी कैसे ज्ञात करेंगे, फिर बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।